राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में बुधवार को मौसम का मिजाज बदल चुका है। बुधवार को कई जगहों पर झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अब कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद दिल्ली NCR में कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली। इसके अलावा UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश हुई। उन राज्यों में कल भी बारिश के आसार हैं। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली NCR में बुधवार दोपहर झमाझम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ घंटों के लिए और अधिक बारिश होने का अनुमान जताया है। दक्षिण मध्य उत्तर नई दिल्ली सहित दिल्ली के कई हिस्सों में और नोएडा और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी यातायात जाम देखा गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि आगामी कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, हल्की से आंधी, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो कल के लिए भी जारी रहेगा। अगर बात राजस्थान की मौसम की करें, तो राजस्थान के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी यह बारिश आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसके चलते जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अलावा अन्य जिलों में कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। जानकारी के अनुसार जयपुर, उदयपुर में 3 से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डैम और नदियों में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के 30 से ज़्यादा जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अभी 3 से 4 दिन तक राजस्थान में मॉनसून एक्टिव रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बात तेलंगाना की करें, तो मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तरी तेलंगाना के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्से 4 दिन पहले हुई तबाही से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। IMD के अनुसार कोमाराव भीम, आसिफाबाद, मंचेरियल, जयशंकर, भूपापल्ली, मुलुंग जिले के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना के इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमाराम भीम, आसिफाबाद, मंचेरियम, जयशंकर, भूपापल्ली, मुलुंगु, भद्राद्री कोठा, गुडेंग, खम्मम, महबूबाबाद जिले में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। बात अगर पहाड़ी राज्यों की करें, तो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बुधवार को भारी बारिश हुई। बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक दोनों राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश और भूस्खलन के चलते हिमाचल की कई सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने कल अलग अलग स्थानों पर आंधी और बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी बारिश जारी है। बुधवार को नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कल राज्य में कई बारिश के आसार जताए हैं। IMD के अनुसार गुरुवार को रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, महोबा, झांसी और ललितपुर में बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम UP और NCR में आने वाले दिनों में बारिश के भी आसार हैं। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट ने भी कल कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी बारिश के आसार हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल और पश्चिम राजस्थान में हल्की बारिश होने के आसार हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और UP उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।